नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे हाई साइड फ्लोट वाल्व के बारे में। जैसा कि इसका नाम दिया गया है, हाई साइड फ्लोट वाल्व, तो ये कहाँ पे लगा होता है? हाई प्रेशर साइड की तरफ लगा होता है, यानी कि ये हमारा लगा होता है कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में लगा होता है। तो एक तरफ कंडेंसर है और एक तरफ इवेपोरेटर है। तो कंडेंसर से क्या आते हैं? हाई, जो हमारे प्रेशर के ऊपर जो लिक्विड होता है वो आता है। तो इसलिए इसको हाई साइड फ्लोट वाल्व बोला गया है कि हाई जो प्रेशर साइड है उस तरफ ये लगा होता है। यानी कि जो फ्रॉम कंडेंसर है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा कंडेंसर से, क्योंकि कंडेंसर क्या करेगा, जो हमारे वेपर होते हैं उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, प्रेशर उनका हाई ही रहता है। तो हाई प्रेशर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हैं वो यहाँ से आते हैं। कहाँ से? कंडेंसर से आते हैं। तो कंडेंसर से यहाँ पर अटैच है, और इस तरफ जो हमारा अटैच है कहाँ पर जाएंगे? ये जाएंगे हमारे इवेपोरेटर के पास। तो इवेपोरेटर के पास ये जाएंगे, तो इसलिए इन दोनों के बीच में ये काम करता है। तो ये हाई साइड जो फ्लोट वाल्व है काम कैसे करता है? देखिए, हाई साइड फ्लोट वाल्व, तो फ्लोट क्या है? इसके अंदर ये है जो फ्लोट यूज़ किया गया है। फ्लोट का काम क्या है? एक लेवल को मेंटेन रखना। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये कौन से लेवल को मेंटेन करता है? ये एक्ट करता है, जो हाई साइड फ्लोट वाल्व है, अकॉर्डिंग टू लोड एक्ट करता है। जैसे हमने पहले बात की थी, जो लो साइड फ्लोट वाल्व था वो अंडर ऑल जो लोडिंग कंडीशन है उनमें एक कांस्टेंट लेवल रखता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू लोड जो है एक्ट करता है। तो फ्लो ऑफ जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जो इवेपोरेटर पे जाएगा वो कंट्रोल क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लोड। जितना लोड होगा उतना ही आगे ये सप्लाई होगा। तो एक कांस्टेंट जो लिक्विड लेवल है फ्लोट चैम्बर के अंदर रहेगा, और लोड के अकॉर्डिंग ये उस पर सप्लाई करता रहेगा। तो इसके अंदर क्या हो, कम होगा इसके अंदर, जब ये फ्लोट है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। जो फ्लोट है जब लिक्विड लेवल फॉल करेगा, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो क्या करेगा, कंडेंसर से, यहाँ से कंडेंसर से वो यहाँ पे फ्लो करता है। तो जब ये फॉल करता है तो यहाँ से वो सप्लाई ले लेता है, जो हाई साइड फ्लोट वाल्व है, तो कंडेंसर से वो सप्लाई ले लेता है और यहाँ पे उस लेवल को वो मेंटेन रखता है। जब जैसे ही ये कंडेंसर से सप्लाई लेता है तो ये फ्लोट वाल्व ऊपर चला जाता है और ये जो वाल्व है वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। और जो हमारा निडल जो वाल्व है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, जो फ्लो है उसको फिर पहुंचाता है वो इवेपोरेटर के पास। वो कैसे? यानी कि इसके आगे क्या लगा होता है? थ्रोटल वाल्व लगा होता है, थ्रोटल वाल्व। तो थ्रोटल वाल्व के पास ये जाता है, थ्रोटल वाल्व के पास वो दोबारा कन्वर्ट होता है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में, यानी कि वो चिल्ड होता है और वो फिर जाता है इवेपोरेटर के पास। तो इस तरह से हाई साइड फ्लोट वाल्व काम करता है। ये कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में लगा होता है, और ये जो सप्लाई है मेंटेन रखता है। ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को आगे थ्रोटल वाल्व पे भेजता है, फिर थ्रोटल वाल्व इवेपोरेटर के पास भेजता है। तो इस तरह से ये मूव करता है। एक जो लेवल है वो अकॉर्डिंग टू लोड ये काम करता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये था हमारा हाई साइड फ्लोट वाल्व। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।